नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पंजाब के लुधियाना में धमाके के तार सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े मिले। ब्लास्ट में शामिल गगनदीप ड्रग्स केस में आरोपी था, जेल में खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। सिम कार्ड से पुलिस ने पूरी गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। लुधियाना में धमाका, सरहद पार से जुड़े तार, पाकिस्तान में बैठकर पंजाब दहलाने की साजिश, खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा पर उठे सवाल, बर्खास्त सिपाही के जरिए धमाके को दिया अंजाम, 2 किलो आरडीएक्स का किया गया था इस्तेमाल। लुधियाना की अदालत में गुरुवार को पहली मंजिल पर हुए धमाके के बाद 24 घंटे के भीतर इसकी जांच मुकम्मल दिशा में बढ़ गई और इसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े मिले। धमाके की ये पूरी साजिश पाकिस्तान से जुड़ी मिली और इसके लिए पूरे 2 किलो आरडीएक्स लुधियाना कोर्ट में लाया गया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरडीएक्स की पुष्टि हो गई है। खतरनाक बात ये है कि इसका खालिस्तानी लिंक मिला है। शक है कि पाकिस्तान में बैठे पंजाब के सबसे बड़े गैंगस्टर रिंदा और फरविंदर सिंह ने पूरी साजिश रची थी, जो 2 साल से पाकिस्तान में जमा है। सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड के जरिए गैंगस्टर रिंदा का पता लगाया। रिंदा पाकिस्तान में है और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। शुरुआती जांच के मुताबिक खालिस्तानियों ने ही गगनदीप के जरिए धमाका कराया। इन द लिंक्स जेल दे विच पंजाब च एंड फ्रॉम अब्रॉड विथ खालिस्तानी एलिमेंट्स which with terror outfits, with mafia outfits, as well as narcotic smugglers, ये उभर के आया सामने। जिवें जिवें डिटेल्स आनगे, we will be providing them to you। खालिस्तानी संगठन ने बर्खास्त सिपाही गगनदीप सिंह को मोहरा बनाया था। गगनदीप के खन्ना स्थित घर से उसके भाई को हिरासत में लिया गया है। घर से एक लैपटॉप, मोबाइल और कैश बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक गगनदीप बाथरूम में बैठकर बम को असेंबल कर रहा था और इसी दौरान धमाका हो गया। हड़ताल की वजह से कोर्ट में ज्यादा लोग नहीं थे। मौके पे उतार जोड़न गया सी, ताई बाथरूम च एंटर करके लेके उन्हें किथे प्लेस करना सी। इट वाज नॉट द कांसेप्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉम्ब। जड़ा लगता है जिस पोस्चर से बैठा सी, ये नहीं कि वो किथे और बाथरूम वॉशरूम यूज करन नहीं गया सी। ही वाज यूजिंग द वॉशरूम टू असेंबल। जेडे इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस आर सजेस्टिंग उत्थे वो कल्ला ही सी, उत्थे होर कोई नहीं सी उहदे नाल। डेफिनेटली ही वाज इन टच विथ अदर एलिमेंट्स ऑफ नार्को टेरर इन पंजाब, इन द जेल्स एंड अब्रॉड। उस बब्बर खालसा के बारे में भी जान लीजिए जिस पर धमाके के पीछे हाथ होने का शक है। आतंकी संगठन बब्बर खालसा 1978 में बना था। इसको पाक में वधावा सिंह बब्बर ऑपरेट करता है। वधावा सिंह 90 के दशक में वहां भाग गया था। ये अलगाववादी और आतंकी संगठन है। भारत से लेकर अमेरिका, कनाडा में इस पर बैन है। अक्टूबर 2007 में लुधियाना में हुए धमाके में भी इसका हाथ था। इस धमाके में 7 लोग मारे गए थे। अब पंजाब पुलिस के लिए ऐसे माहौल में शांति से चुनाव कराना भी एक चुनौती है। हालांकि पंजाब पुलिस के डीजीपी दावा कर रहे हैं कि चुनाव के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और चुनाव शांति से कराए जाएंगे। द मेन चैलेंज लाइंग अहेड ऑफ अस, साडे सामने हैगा पंजाब दा चुनाव, द असेंबली इलेक्शंस। साडे फोर्स दी, पंजाब पुलिस की पूरी कोशिश है शांतिपूर्वक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जान, कोई भी भय दा, कोई भी डर दी फीलिंग ना होए। लुधियाना ब्लास्ट की जांच में ड्रग्स से लेकर खालिस्तान और पाक तक के तार जुड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में ये साजिश ज्यादा सतर्कता की मांग करती है। कमलजीत के साथ आज तक ब्यूरो। ये शक है कि खालिस्तानी संगठन ने बर्खास्त सिपाही गगनदीप सिंह के द्वारा यह धमाका करवाया था। गगनदीप बॉम्ब फिट करते समय भी अपने हैंडलर्स से संपर्क में था। ड्रग्स केस में जेल में 2 साल काटने के बाद हाल ही में गगनदीप रिहा हुआ था।
वो शख्स जिसने एक धमाका करके पंजाब की सियासत में भूचाल ला दिया। उसका अंदाज देखकर साफ लगता है कि एक पुलिसकर्मी से आगे बढ़कर वो एक शौकीन और मस्त मौजी युवक था। तस्वीरों में उसके हाथ में बंदूक दिख रही है। पंजाब पुलिस के बर्खास्त सिपाही गगनदीप सिंह पर इल्जाम है कि वो लुधियाना कोर्ट में बम को एक्टिवेट कर रहा था और इसी दौरान धमाका हुआ जिससे उसकी मौत हो गई। 24 घंटे बाद उसकी पहचान हो गई। दिलचस्प ये है कि इसी टैटू के जरिए गगनदीप की पहचान हो पाई है। ब्लास्ट में उसका शव शत विशत हो गया था, चेहरा भी उड़ चुका था, लेकिन इस टैटू ने उसकी पहचान करा दी। हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये शख्स। गगनदीप सिंह पंजाब पुलिस में तैनात था। खन्ना में ही वो बतौर मुंशी ड्यूटी पर था। 2019 में उसे बर्खास्त किया गया था। उसका कनेक्शन ड्रग माफिया से मिला था। गिरफ्तारी के बाद 2 साल उसे जेल में गुजारने पड़े थे। सितंबर में ही उसको जेल से रिहा किया गया था। पत्नी से उसकी अनबन चल रही थी। घर वालों ने उसके शव की पहचान की। इन्हां दे लिंक्स जेल दे विच पंजाब च एंड फ्रॉम अब्रॉड विथ खालिस्तानी एलिमेंट्स विच विथ टेरर आउटफिट्स विथ माफिया आउटफिट्स एज वेल एज नारकोटिक स्मगलर्स ए उभर के आया सामने। अब पंजाब पुलिस से लेकर एनआईए तक गगनदीप सिंह की पूरी कुंडली तलाश रही है। उसके घर की तलाशी ली गई। कई घंटे की छानबीन के बाद कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि जो बम धमाका हुआ था वो बम धमाका गगनदीप ने ही किया था और उसके बाद से कल रात से ही यहाँ पर जो एनआईए की टीम और जो पुलिस अधिकारी हैं लगातार घर की जो छानबीन है वो कर रहे हैं। इस वक्त भी हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और अभी भी जो पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार अंदर जो जांच है वो कर रहे हैं। देर रात भी कल जांच की गई है और खास तौर पर जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं बताया यही जा रहा है कि कुछ जो लैपटॉप है कुछ और सामान है वो यहां से ले जाया गया। उसके साथ साथ गगनदीप का जो बड़ा भाई है उसे भी पुलिस अपने साथ लेकर गई है। बताया ये भी जा रहा है कि गगनदीप जिस समय ये ब्लास्ट हुआ उस समय उसे इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी और वो लगातार किसी के साथ टच में था। गगनदीप सिंह के परिवार से भी पूछताछ हो रही है। पुलिस और एनआईए सारी कड़ियों को जोड़कर देख रही है। गगनदीप से जुड़े सबूतों के जरिए ही सुरक्षा एजेंसियां असली साजिश रचने वाले तक पहुंच सकती हैं। ललिता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। लुधियाना धमाके के दार पाकिस्तान से जुड़े मिले ब्लास्ट में शामिल गगनदीप ड्रग्स केस में आरोपी था। जेल में खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। ब्लास्ट को लेकर पंजाब के डीजीपी से बात की हमारी संवाददाता कमलजीत संधु। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त हैं पंजाब पुलिस के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका दावा है कि 24 घंटे में ये गुत्थी सुलझा ली गई है। आप ही का पंजाब पुलिस का हेड कांस्टेबल है जो कि इसमें शामिल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ रही है क्यों किया गया ये धमाका, क्या वजह थी उसकी? मैम, इसमें देखना पड़ेगा, ये पहली बारी नारकोटिक्स ड्रग्स माफिया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेरर खालिस्तान, इसका एक मिश्रण पहली बारी देखने में आया। कराया इसलिए गया क्योंकि जो सीमा पार अंसर हैं, जो ताकतें हैं, वो पंजाब में इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, एक डर की भावना पैदा करना चाहते हैं। जुडिशियल प्रोसेस को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, इस करके ये किया गया है। और ये एक पर्सन स्पेसिफिक है, ये एक पर्सनल कॉन्स्पिरेसी है, और या फिर ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है? ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। ये पहले भी जब फोर्स में था कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी माहिर था, टेक्निकली बड़ा साउंड था, ये उसके एडिड क्वालिफिकेशन। अब क्योंकि ड्रग्स के मामले में ये डिसमिस हुआ था, अरेस्ट हुआ था, डिसमिस हुआ था, तो उसे एक खुंदक थी फोर्स के साथ, लीगल सिस्टम के साथ, पूरे सिस्टम के साथ। तो ही वॉज अ वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया एक चुना हुआ एक टारगेट था जिसको इस्तेमाल कर सकते थे और लीगल सिस्टम को, पूरे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस खुंदक में, इस आक्रोश में
ये सही मकाम पे उनके मुताबिक जो ताकतें हैं, जो यहाँ डिस्टेबलाइजेशन चाहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सर, ये बड़ा वेग सा टर्म होता है जब हम बोलते हैं कि ऐसी ताकतें हैं, क्योंकि अगर हम बात करें आईएसआई पाकिस्तान बट इसमें लगता है इसके आगे भी शायद कुछ हो। सर बात आई है, हमने सुना है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, उन्होंने कहीं से बोला था कि जुडिशरी को क्यों टारगेट किया गया है, क्योंकि एक केस मोहाली में चल रहा था मजीठिया वाला, आप उसको इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पे भी एक बात आती है इंटरनल कॉन्स्पिरेसी और एक होता है एक्सटर्नल हैंड, ये क्या दोनों ही एलिमेंट्स शामिल हैं या ये अलग ही? इस बात पे अभी फाइनलिटी से हम नहीं कह सकते, इन्वेस्टिगेशंस अभी चल रही हैं, इसका तफ्तीश चल रही है, इस करके आज के तारीख में हम कोई पक्की बात इस पे निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे।